हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम कार लंचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम है आगामा कार लंचर। ये स्टीरियो में highwoodman.com वेबसाइट से लिया था। तो वीडियो पे बने रहिए, मैं ईच एंड एवरी एक्सपर्ट आपको वॉकिंग थ्रू कराऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। ये है वर्जन 2.9.3। इसका जो वर्जन है 2.9.3 है। आप यहाँ पे सेटिंग में, ये दिख रहा है, ये सेटिंग में यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ये रहा वर्जन 2.9.3 वुडमैन। क्योंकि ये वुडमैन का स्टीरियो है तो वुडमैन का दिखा रहा है ब्रांड। ये ऐसे आपको वुडमैन का जो स्टीरियो है सही में ये कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मिल जाएगा वर्जन। ये मुझे मिला था highwoodman.com/v9। ये वेबसाइट में जाके मैंने ये 2.4.3 से 2.9.3 अपग्रेड किया था जस्ट कुछ दिन पहले। तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ फीचर्स एडिट होके आए हैं, या वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या अपग्रेडेड फीचर्स आए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये डैशबोर्ड है कंप्लीट। ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है ग्रीन ब्लू कलर का। तो आपको जो कलर चॉइस है, आपको उस कलर से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो लोगो है, यहाँ पे मैंने सेटिंग किया था। ये सेट यहाँ पे सेटिंग्स में जाके यहाँ पे लिखा है जो योर कार, अपना कार की ब्रांडिंग। जैसे मेरा ग्रैंड आइटन है हुंडई का, तो मैंने हुंडई का लोगो आप में दे सकता था। और ये भी, ठीक है, जैसे मैंने आपको लोगो बता रहा था। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, ये वाला सेटिंग में जाके आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है। योर कार जो लिखा है यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। और मैं जो सिलेक्ट किया ऊपर, ये लोगो मैं सिलेक्ट किया हूँ। मेरा जो पहले लोगो था वो हुंडई का था। आप कोई भी लोगो चूज कर सकते, ऐसा नहीं है रिलेवेंट टू योर कार। जैसे हुंडई का या निसान है तो निसान का ये है, तो हुंडई का ढूंढते हैं। हुंडई का यहीं पे है, सुजुकी का ये है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, हालांकि लगभग सारे कार के आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारे कार के। मिसुबिशी, जीप कंपास, जगुआर, किया, ये रहा हुंडई, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं ओपनिंग स्क्रीन में आ गया। इसको वॉक थ्रू करने के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या कवर करूँगा। इसमें मैं कवर करूँगा आपका गूगल असिस्टेंट कैसे सेटअप किया जाता है, म्यूजिक वीडियोस कैसे, इसको आप रिनेम कैसे करोगे, यहाँ पर टेक्स्ट के जो म्यूजिक वीडियो लिखा है वो कैसे दिखेगा, एसोसिएट कैसे करोगे म्यूजिक वीडियोस एप्लीकेशन को, नेविगेशन के लिए कौन कौन सा मैप आपको यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं, रेडियो, वाईफाई कैसे सेट करना है, जीपीएस को एनेबल एंड डिजेबल कैसे करना है यहाँ पे पैनल्स को, और ये टेम्परेचर है, ठीक है, और ये वॉल्यूम प्लस है, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये वॉल्यूम प्लस है ये वाला, और ये वॉल्यूम माइनस। यहाँ पे आपका टाइमिंग दिख जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो डिजिटल आ जाएगा, आप इसको एनालॉग भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बीच का जो पर्सन है, यहाँ पे कुछ पैनल्स हैं जो कैटेगराइजेशन बनी है। जैसे ऊपर वाला जो ये है आपका डैशबोर्ड फॉर्मेट में ये आ जाएगा, इंडिया टू डेज टाइम स्टैम्प। और ये जब म्यूजिक बज रहा होगा कोई भी, तो यहाँ पे वो लोगो दिखाई देगा म्यूजिक्स की, नहीं तो ये डिफॉल्ट लोगो दिखाएगा, ओके। और उसके बाद ऑटो करने से कोई भी अगर एप्लीकेशन चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वही एप्लीकेशन का बीच में इसका लोगो दिखाई देगा। इसे मान लो कि मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ तो म्यूजिक का लोगो यहाँ पर दिखाई देगा, नहीं तो वो डिफॉल्ट वाला लोगो ये वाला दिखाई देगा। अनलेस आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, कौन सा इसमें इनमें से छः पैनल में से कौन सा आपको मिडिल में दिखना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया लोगो डिफॉल्ट, तो ये लोगो दिखता है यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किया था पहले, ओके। देन राइट साइड में आपको मिल जाएगा फ़ोन, देन इंटरनेट, देन ऐप्स, देन ये सेटिंग्स जैसे दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, और ये सेटिंग्स ब्राइटनेस की,
ये देखिए, इसको मैं एक बार प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक में जाएगा ये। एक बार ये नाइट मोड में चला गया और ये डे मोड। नाइट मोड और डे मोड में थोड़ा अंतर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। ये नाइट मोड सेटिंग किया है मैंने डैशबोर्ड की। ये कलर कोड होना चाहिए मेरे लाइट में और ये मेरे डे में होना चाहिए। तो ये दो के भी आप सेट कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सेट करना है। जो पहले गूगल फॉर्स जाते हैं, पहले आप इसको कमांड देके आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ नेविगेट टू मैप दिस एंड दैट, वो ओपन कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, प्लीज नेविगेट टू सेक्टर 126 नोएडा। Navigating to sector 125. Okay, गलत से उसको सुनाई दिया 125, तो दिखा रहे 125. Okay, no problem. ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉन्च कर सकते हो गूगल मैप। हालांकि फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन ही ओपन करने से गूगल मैप, गूगल वॉइस असिस्टेंट के थ्रू ये डायरेक्ट मैप ही दिखा देगा। यहाँ पे गूगल के थ्रू दिखा रहे, गूगल दिखा के फिर आप क्लिक करके तो जा रहा है। तो ऐसे ही नहीं तो खाली दिखाता है कि डायरेक्ट बोलो तो डायरेक्ट मैप से खुल जाए। अभी गूगल वॉइस असिस्टेंट में ड्राइविंग मोड आ गया, तो ड्राइविंग मोड के लिए भी आप दैट इज़ सुइटेबल फॉर ड्राइविंग। तो ज़्यादा वो इंट्यूटिव है और इंटरेक्ट अच्छा करता है इससे। तो ये रहा स्टार्ट बटन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, यहाँ पे सेक्टर 126 नोएडा। तो ये रहा मैप, ठीक है। इस तरह आप गूगल असिस्टेंट से कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। प्लीज ओपन यूट्यूब। ओके, तो ये यूट्यूब है। ओके, देन ये जो है म्यूजिक प्लेयर लिखा है यहाँ पे, जो आप रिसेंटली प्ले करेंगे या वीडियो प्लेयर है वो ऑटो प्ले वो दिखाएगा म्यूजिक प्लेयर में, ठीक है। तो अभी कोई प्ले नहीं हो रहा है इसलिए वो इंटैक्ट है, स्टैटिक है। तो व्हाट एल्स, म्यूजिक वीडियोस, तो इसको देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये देखिए, जब म्यूजिक एंड वीडियोस को मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करा इस मिडिल पोर्शन को, ये चार पैनल दिख रहे हैं बटन। चार वीडियो या ऑडियो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हालांकि आप मान लो कि आपका पांच या छः म्यूजिक वीडियोज आपका इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर, जैसे मैक्स प्लेयर हो गया, यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, डिफॉल्ट प्लेयर दो चार हो गया, कुछ भी इंस्टॉल किए हो, तो ऐसा नहीं कि आप छः ऐड कर सकते हो, आप एक ही टाइम में चार ऐड सकते हो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मान लो कि इसको मैं चेंज करना है तो ये देखो यहाँ पे मैं भी क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर हो गया। अभी ऐड करते हैं, इसी तरह दिखाएगा। होल्ड करके रखो, आप कंटिन्यूस होल्ड करके रखो तो ये एप्लीकेशन का टोटल पैनल खुल जाएगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो आपको चाहिए, ठीक है। इस तरह मैंने किया है, स्पॉटिफाई ऐड किया है, यूट्यूब किया है और मैक्स एमएक्स प्लेयर किया है। एमएक्स प्लेयर जो है वो वीडियो का प्लेयर है, यूट्यूब है जो ऑनलाइन वीडियो प्लेयर है, यूट्यूब का है खुद का, ये स्पॉटिफाई ऑडियो सुनने के लिए, और ये डिफॉल्ट प्लेयर है जो कि इसके साथ आगामा स्टेरी के साथ आता है सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल्ड, ठीक है। इस तरह नेवी आपको मैंने दिखाई दिया, ये गूगल मैप खोल के गूगल असिस्टेंट के थ्रू, और ये साइकिक है जो कि प्री इंस्टॉल्ड आता है इस स्टेरियो के साथ। ये ऑफलाइन मैप्स है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने ऑफलाइन गूगल मैप भी इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो इसको भी आप कस्टमाइज करके ऐड कर सकते हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए हो
कोई भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल किए हो नेवी के लिए, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इस तरह सेम रेडियो है, रेडियो एप्लीकेशन आप ड्रैग करके बीच में लाइए। तो ये रेडियो सुनने के लिए मैं यहाँ पे रेडियो के ऐप ऐड किया हूँ। यहाँ पे ये जो रेडियो सॉफ्टवेयर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हुआ है, प्री इंस्टॉल्ड है ये, ठीक है। उसके बाद और क्या, उसके बाद जैसे मैंने बताया था ये वॉल्यूम डाउन, रॉकर बटन डाउन है, ये वॉल्यूम ऑफ है, ये टाइमिंग है, ये फ़ोन है, फ़ोन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मैं एसोसिएट किया हूँ एप्लीकेशन को। कैसे एसोसिएट किया हूँ, फ़ोन क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है, कैसे आ रहा है मैं देखा था। फ़ोन पे जाएगा, फ़ोन को क्लिक करके होल्ड करके यहाँ पे कंटिन्यूस रखिएगा तो अपने आप ये दिखाएगा विंडो। तो यहाँ पे आइकन जो है, फ़ोन की जो आइकन है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। नेम जो है, फ़ोन लिखा है यहाँ पे, जो फ़ोन लिखा है यहाँ पे, ये भी आप चेंज कर सकते हो इससे, नेम से। इसे आप यहाँ पे नेम क्लिक करोगे यहाँ पे दिखाएगा, देखो ये, ठीक है, कीबोर्ड नीचे आ गया, चेंज कर सकते हो। उसके बाद इस तरह आपको नीचे दिखाएगा ऐप, जो कोई ऐप आप इंस्टॉल्ड है फ़ोन के लिए, फ़ोन कॉल करने के लिए, वो अगर इंस्टॉल्ड है और आप वो उसको एसोसिएट कर सकते हो इसके साथ। तो कैसे करना है, आपको ऐप को क्लिक कीजिए आप, तो ये सारे एप्लीकेशन का लिस्ट खुलेगा। यहाँ पे ब्लूटूथ का जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन का सॉफ्टवेयर ये है ब्लूटूथ, ये वाला, तो ये मैंने ऐड किया हूँ इसमें। आप चाहे तो डायलर का जो गूगल डायलर आता है वो भी इंस्टॉल करके यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब मैं क्लिक करता हूँ वो ब्लूटूथ वाला जो है वो खुलता है, देखिए ये वाला ब्लूटूथ है, जो एप्लीकेशन दिखा था मैंने, मतलब ये वाला। ये वाला, ठीक है, ओके। व्हाट एल्स, इंटरनेट, इंटरनेट भी ऐसे मैंने एसोसिएट किया हूँ किसके साथ, ब्राउजर के साथ, क्योंकि इंटरनेट जब क्लिक करोगे तो ब्राउजर को जाना चाहिए। तो मैं क्या कैसे किया हूँ, इंटरनेट को ऐसे होल्ड करके पकड़ो आप, सेम एज इट इज ऐप्स में जाओ, ठीक है। तो ऐप्स में जाके यहाँ पे ये गूगल जो है ब्राउजर, उधर क्रोम दे सकते हो यहाँ पे, तो ये देखो मैं देता हूँ यहाँ पे क्रोम देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये इंटरनेट में सीधा क्रोम को खुल गया। अभी सिंगल क्लिक कीजिए, होल्ड मत कीजिए इसको, एक बार एक से क्लिक कीजिए बस, सिंगल क्लिक, तो डायरेक्ट ये क्रोम को लेके जाएगा, देखिए ये क्रोम है, राइट। चलिए इसको आप जैसे गूगल करते हो आप अपने डेस्कटॉप में या मोबाइल पे, ऐसे कर सकते हो आप। इसको बंद करते हैं, होम में जाने के लिए तुरंत यहाँ पे ऊपर जो बटन है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप, ओके। इंटरनेट हो गया, ऐप्स हो गया, ऐप तो आपको दिखाया मैंने काफ़ी बार, ऐप्स में क्लिक कीजिए यहाँ पे, और ये ऐप्स का टोटल कंप्लीट लिस्ट दिखाएगा, जो जो इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में वो सारे दिखाएगा। जैसे मानो आपको नया कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर की सॉफ्टवेयर भी है, ये देखिए प्ले स्टोर, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एक बार, प्ले स्टोर से खुल जाएगा। प्ले स्टोर खुलने के बाद आप यहाँ पे इसे सर्च करते हो मोबाइल पे, प्ले स्टोर खुल के वही सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कार लंचर करके मैं दिखाता हूँ आपको, कार लंचर है, तो ये कार गुरु जो वेब गुरु है मैं इसको करके दिखाता हूँ, कार वेब गुरु, ये इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे आगाम का कार लंचर है जो highwoodman.com की तरफ से वो प्रोवाइड किए हैं बाय डिफॉल्ट, उस तरह आपका कार वेब गुरु भी एक वेब लंचर है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, वो इंस्टॉल करा रहा हूँ आपके सामने, तो उसको बोलते हैं कार वेब गुरु कार लंचर। तो इस तरह बहुत सारे हैं, नेट पे प्ले स्टोर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, ऐसे दो तीन लंचर भी आप एक साथ अल्टरनेट करके यूज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आगामा कार लंचर है तो ये करोगे तो पहले वाला उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप स्विच कर सकते हो, कोई भी कार लंचर इंस्टॉल करके आप स्विच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। वेट करते हैं थोड़ी देर,
देखिए ये हो गया, 100% हो गया, जो इंस्टॉल कर रहे हैं ये, परमिशन दिखा रहा है ये, तो अलाउ करते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे स्टोरेज की राइट परमिशन दे रहा है, रिक्वेस्ट परमिशन स्टोरेज कार वेब गुड टू एक्सेस फोटोज मीडिया एंड डिवाइस, अलाउ करते हैं इसको, ठीक है। देन फिर से नेक्स्ट, इसको नोटिफिकेशन सेटिंग्स सिस्टम सेटिंग्स तो अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर ये करना नहीं है, आगामों को भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। बिल्ट इन प्लेयर ओके, बटन कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, टूल्स डन। अभी देखिए ये रहा आपका कार वेब गुरु का वेब लॉन्चर, जैसे आगामा कार लॉन्चर था, ये एक अच्छा कार लॉन्चर है, इसको मैं यूज नहीं किया इतना, बट आपको मैं शोकेस थोड़ा सा सेम एज इट इज होता है आगामा कार की तरह, थोड़ा इंट्यूटिव ज़्यादा होता है और इंट्रैक्शन ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, फीचर्स भी ज़्यादा है इसमें। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ऐसे दिखाई देगा आपको, ये स्क्रॉल करके तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शंस मेन्यूस आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका है, यहाँ पे बहुत सारे थीम्स हैं एक्चुअली, जैसे कार वेब गुरु आगामा कार का इतना सारा थीम्स नहीं है इसमें, सेट थीम करके देखो आप इसमें कितने सारे थीम्स हैं। हालांकि कुछ पेड वर्जन है, जैसे ऊपर देखिए आप दिखाता हूँ मैं, ये प्रीमियम लिखा है यहाँ पे और फ्री लिखा है, अदर लिखा है, जो फ्री है हम देखते हैं, ये प्रीमियम सारे हैं थीम्स। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सिलेक्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सिलेक्ट करने से प्रीमियम की कैटेगरी में ये दिखाएगा बाय, तो हमको बाय नहीं करना है तो फ्री, इसको करके देखते हैं ओके। देखिए इस तरह दिखाई देगा, तो इस तरह बहुत सारे थीम्स हैं। आप बहुत सारे चीज इसमें कर सकते हो, और कोई थीम देखते हैं, जैसे ये ठीक है, ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, सही है। तो ये सारे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें ये जो है एप्लीकेशन होगा, ये होम स्टार्ट मेनू बटन्स, ये भी है बहुत सारे उसमें, जैसे आगामा में था ये देखिए, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं फिर, ये पूछ रहे अभी आगामा कॉलेज को रहने दे एज ए होम लॉन्चर और इसको चेंज करें, जैसे नीचे भी दिखा रहे हैं यूज ए डिफरेंट ऐप, तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो कि कार वेब गुरु चाहिए डिफरेंट लॉन्चर या आगामा चाहिए, तो हमको आगामा चाहिए ही, तो ऑलवेज इसको कर लेते हैं, तो जैसे था आगामा उसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे कार लॉन्चर आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, गूगल प्ले स्टोर में ढूंढ के आप इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसमें ऐप्स में, और क्या क्या ऐप्स में इंस्टॉल किया हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो फर्स्ट है लॉक है, आगामा का लॉन्चर ये है, असिस्टेंट है इसमें,
और ज़्यादा कुछ इंस्टॉल नहीं किया हूँ, जो डिफ़ॉल्ट है यहीं पे दिख रहा है आपको, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पहले से ही होता है, आपको बस अपडेट करना पड़ेगा। बाकी MS प्लेयर मैं अभी भी इंस्टॉल किया हूँ, स्पॉटिफाई भी पहले होता है, स्पॉटिफाई इसको अपडेट करना पड़ेगा आपको, ये अपडेट वर्जन नहीं है, अभी हो गया है, पहले जब इंस्टॉल किया था लंचर जब, तभी बैकवर्ड वर्जन था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स हैं, देखिए सेटिंग्स में सिस्टम के जितने सारे सेटिंग्स हैं आप इस यहाँ पे कर सकते हो, जैसे नेटवर्क एंड इंटरनेट, कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए हॉटस्पॉट के थ्रू, यहाँ पे देखिए वाईफाई का INT होम करके लिखा है, यह कनेक्टेड है मेरे वाईफाई हॉटस्पॉट से मेरे मोबाइल पे। ठीक है, फिर ये ऐप्स के लिए कौन सा लॉक कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट है कौन सा होगा, ये सारे देख सकते हो यहाँ पे, देखिए क्रोम, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ, गूगल प्ले स्टोर, ये सारे यहाँ पे ऐप्स में। और यहाँ पे और क्या क्या है, इक्वलाइजर है यहाँ पे, क्रोम ब्राउजर है, यहाँ पे एक है फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर में आपको जैसे मोबाइल पे आप जाते हो फाइल मैनेजर, वही सेम एज इट इज है, मेरे यहाँ पे इंस्टॉल है पेन ड्राइव, तो ये मेरा नाम दिखा रहे हैं पेन ड्राइव में, और ये इंटरनल स्टोरेज है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जा सकते हो, यहाँ पे पेन ड्राइव में जैसे मेरे वॉलपेपर रखा हूँ और कुछ गाने और वीडियोज़ रखा हूँ यहाँ पे, तो आप भी ऐसे फाइल मैनेजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने फाइल्स फोल्डर्स। ठीक है, बाकी ये म्यूजिक का सॉफ्टवेयर है, और ये साइकिक है जो कि बाई डिफॉल्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ऑफलाइन मैप्स है ये, और ये वीडियो का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है ये वाला, और प्ले स्टोर है ही है इसमें, और यूट्यूब। ठीक है, ज़्यादा कुछ मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो जैसे जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा, नया कुछ मिलेगा मुझे सॉफ्टवेयर या कुछ अपडेट मिलेगा तो आपको मैं बताऊंगा, तो यही है ओवरऑल। यहाँ पे सेटिंग हम देख सकते हैं, एक बार सेटिंग में जाके पहले वाला जो आपको बताया था मैंने, यहाँ पे जाके आपको कार का लोगो आप चेंज कर सकते हो, इसका जो है इसके अंदर और एक फीचर आता है यहाँ पे नीचे, इसके नीचे एरो की डाउन करके, तो उसको सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो पिक्चर, कोई भी कस्टमाइज पिक्चर, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी रख सकते हो कोई भी, अपना लोगो भी रख सकते हो, अपना पिक्चर भी। ठीक है, ओके हो गया। और दूसरा है आपका थीम एडिटर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है थीम एडिटर, आप ये जो बैकग्राउंड मैंने दिया हूँ ब्लू एंड ग्रीन कम्बिनेशन, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो ये कलर वन है, हो गया कलर वन कौन सा है, ये वाला कलर है, देखो आप चेंज चेंज हो रहा है कलर वन, ये इसको आप चेंज कर सकते हो। फिर कलर टू जो है, कलर टू देखिए ये कलर टू है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो ऐसे ये। ठीक है, फिर लाइन है, लाइन आइटम कौन सा है, ये जो है राउंड वाला, ये आपका लाइन आइटम है, इसको चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड वन ये जो ब्लू वाला है, ब्लू बैकग्राउंड, ये लिखावट के नीचे रेडियो के जो पीछे या नेवी के पीछे म्यूजिक वीडियो के पीछे जो ब्लू कलर का आ रहा है वो चेंज कर सकते हो बैक वन करके, ये बैक वन चेंज करके इसको आप चेंज कर सकते हो। मान लो कि मैंने, मेरे को रेड देना है जैसे ये, ठीक है, इसको ब्राइटनेस आप कर सकते हो, या ब्राइटनेस है बढ़ाने के लिए, कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये अल्फा जो कि ह्यूनेस बढ़ाएगा, इसका ह्यूनेस देगा इसका कलर को। फिर है आपका बैकग्राउंड टू, ये जो ब्लू कलर है, ग्रीन वाला कलर, ये ग्रीन कलर चेंज करने के लिए ये है, तो इसको आप ब्लू, पर्पल, कोई भी कलर कर सकते हैं सही है ये। फिर ब्राइटनेस आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ब्राइटनेस आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद BK BAC KG, ये टोटल बैकग्राउंड चेंज करेगा, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ऊपर, ये सारे। और यहाँ पे कुछ है 2D 3D, नीचे देखो 2D आप सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, और 3D करोगे तो लाइन लाइन में ऐसे लाइन हट जाएगा, फिर लाइन आ जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये वाला जो कर्व है लाइन, ग्रीन वाला राउंड वाला, छोटी सी लाइन, पतली सी लाइन जो है वो चेंज होगा, देखिए
डॉट डॉट सिंबल हो गया ये, फिर हट गया। और ये एक ऑप्शन है, ये लाइन मैंने चेंज करके दिखाया मैंने, ये लाइन वाला, ये बैकग्राउंड आप चेंज भी कर सकते हो इसका प्लेयर के, जैसे मान लो कि आप ये दोगे बैकग्राउंड में, ये देखिए ऐसे हो गया। वैसे बहुत सारे बैकग्राउंड जैसे ये दोगे फ्लोरल वाला, ये देखिए फ्लोरल वाला है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मैं कलर को ऑलरेडी चूज किया हूँ, मेरा वाला सेट करके रखा हूँ, तो मैं फिर से चेंज करना नहीं चाहता, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है सेटिंग्स में वो भी देख लेते हैं। थीम एडिटर ऑप्शंस हो गया, एडवांस ऑप्शन के लिए अब जिक्र, तो इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा, तब जाके वो एडवांस ऑप्शन आएगा जब आप सेटिंग दबाते हो तो थीम के लिए, ठीक है। फिर ये म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर कौन सा है सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर को ये जो डेल्टा बटन है यहाँ पे इसको क्लिक करो तो ये सॉफ्टवेयर सारे निकल आएगा। और इसको म्यूजिक सॉफ्टवेयर आप दे सकते हो कि एमएफ प्लेयर चाहिए, म्यूजिक चाहिए, तो मैंने म्यूजिक ये दिया था ये वाला। देखिए ये वाला म्यूजिक प्लेयर दिया था अपने म्यूजिक के लिए, ठीक है। इस तरह आप चूज कर सकते हैं कौन सा म्यूजिक प्लेयर आपको सॉफ्टवेयर इसको मैप्ड कराना है। इसके बाद नेविगेटर, ये इंटीग्रेशन का पैनल है, ये इंटीग्रेशन है। ऊपर वाला है डिजाइन योर कार, इसके बाद डिजाइन थीम एडिटर के लिए, नीचे एक आ गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में म्यूजिक प्लेयर, उसके बाद फिर नेविगेटर, नेविगेटर के भी सेम कर सकते हैं ऐसे। इसको क्लिक करो, गूगल मैप्स मैंने चूज किया हूँ, फिर डेल्टा बटन को जाओ यहाँ पे, और गूगल मैप के अलावा और कुछ अगर चाहिए मैप्स इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में तो आप कर सकते हैं। जैसे सीजी की दूंगा तो वही सीजी सिलेक्ट हो जाएगा एज ए मैप सॉफ्टवेयर, राइट, नेविगेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये राडार डिटेक्टर है, इसको शायद अभी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉट इंस्टॉल दिखा रहे, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तब जाके काम करेगा ये जो सॉफ्टवेयर है रे राडार डिटेक्टर, नहीं तो स्टिल का ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये काम करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये वॉल्यूम कंट्रोल है, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल को ऑन कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद डे ब्राइटनेस 100%, नाइट ब्राइटनेस ऐसे दिखा है कि दो डैशबोर्ड मैंने बनाए, और नाइट के लिए और डे के लिए अलग अलग, तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस सेट कर सकते हो डाइट डे के लिए और नाइट डैशबोर्ड के लिए। ऑटो ब्राइटनेस आपको सेट कर सकते हो यहाँ पे कि कितने कैसे रहना है ऑटो ब्राइटनेस, यार ऑफ करना चाहते हो तो ऑटो ब्राइटनेस यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हो, ओके। फिर ग्रिड साइज है, जैसे एप्लीकेशन लिस्ट जब जहाँ पे आता है वहाँ पे आपका ग्रिड साइज आप कर सकते हो कि एक ही पैनल पे एक ही रो में कितने दिखाएगा लाइंस एप्लीकेशन के, तो मैंने 8 किया हुआ यहाँ पे। और बूट एनिमेशन जब स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक, मतलब जब रिबूट होगा ये सिस्टम तभी बूट एनिमेशन दिखाना है नहीं दिखाना, जैसे स्टैंडर्ड बूट एनिमेशन है डू नॉट शो बूट लोगो दिखाया यहाँ पे, स्टैंडर्ड बूट एनिमेशन करोगे तो स्टैंडर्ड जो बूट एनिमेशन है वुडमैन की वो दिखाएगा, नहीं तो डू नॉट शो बूट लोगो नहीं, अगर सिलेक्ट करोगे तो बूट लोगो नहीं दिखाएगा, और डिजेबल आप कर सकते हैं इसको। और UI एनिमेशन जो है वो भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे। डिस्टेंस आपका जैसे कार चलता है तो डिस्टेंस इसमें दिखाता है बीच में लोगो जो दिखाता है वहाँ पे, तो उसमें आप दिखा सकते हो कि किलोमीटर दिखाए या क्या दिखाए, इसको क्लिक करो एक बार तो दिखाएगा, देखो KM और ML में दिखाएगा माइल्स में। बाकी ये रहा टेम्परेचर, C नहीं तो F अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो, फ़ारेनहाइट नहीं तो सेंटीग्रेड में। और टाइम में यहाँ पे ऑटो करोगे तो ऑटोमेटिक वो दिखाएगा सिस्टम डिफॉल्ट, नहीं तो आप 12 आवर फॉर्मेट में, नहीं तो 24 आवर फॉर्मेट में टाइम आप सेट कर सकते हो, उस तरह ही दिखाएगा लास्ट में। फिर यहाँ पे आ गया स्क्रीन सेटिंग्स, ठीक है। स्क्रीन सेटिंग्स में फुल स्क्रीन स्टेटस बार को स्टेटस बार सेटिंग आप कर देख सकते हो कि हाइट एंड स्टेटस बार, दो स्टेटस बार ऊपर जो आता है वाइट वाला
इसको उसको आप हाइड कर सकते हो, ये ऑप्शन चूज करके पहला वाला। स्टेटस बार आइकन सो ओनली स्टेटस बार आइकन करोगे तो ओनली आइकन दिखाई देगा, बाकी डिसेबल हो जाएगा, सो नहीं करेगा। सो एंड्रॉयड स्टेटस बार एंड्रॉयड का स्टेटस बार दिखाएगा, ठीक है। और बाकी रहा स्क्रीन लेआउट, स्क्रीन लेआउट में ये एक्सपेक्ट रेशियो दिखाएगा, जैसे यहाँ पे ऑटो किया हूँ 5:3, 6:3, 10:3, ये सारे एक्सपेक्ट रेशियो है। देन स्क्रीन ओरिएंटेशन स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन है, आप चाहो तो इसको 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री कोई भी मूवमेंट करा सकते हो, इसको ऐसे मुड़ जाएगा वो। सिस्टम सेटिंग्स में इंटरफेस सेटिंग्स, लैंग्वेज सेटिंग्स में इंग्लिश दिया हुआ मैंने, स्लीप मोड ऑफ है, स्लीप मोड ऑन को भी कर सकते हो अगर चाहो तो। कीप स्क्रीन ऑन, हमेशा स्क्रीन ऑन रहेगा, ऑफ नहीं होगा। होम स्क्रीन लॉन्चर इज होम स्क्रीन, मेरा जो लॉन्चर है होम स्क्रीन, यहाँ पे देखे कौन सा होम लॉन्चर मेरा, यही है आगामा का लॉन्चर, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, देखो ये आगामा का लॉन्चर मेरा डिफॉल्ट सिलेक्ट है। कार वेब गुरु को अगर चाहूँ तो डिफॉल्ट लॉन्चर यहाँ पे ही सेट कर सकता हूँ मैं, होम ऐप को, ये होम ऐप है, कौन सा होम आपको चाहिए वो ये आप सेट कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। ओके, तो व्हाट एल्स, रन ऑन टॉप, ये अभी यहाँ पे ऑन टॉप मतलब यहाँ पे रनिंग लॉन्चर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, तो हमेशा ऑन टॉप ऑफ द एप्लीकेशन रन होगा। सेव, यहाँ पे जो भी जो कोई भी आप सेटिंग किए हो उसको सेव करने के लिए यहाँ पे सेव ऐसे हिट करो, सेव हो जाएगा। ये देखिए ये पूछेगा कि सिस्टम विल बी सेव टू ये लोकेशन में, इफ़ यू हैव एनी ओल्डर सेव फाइल इट विल बी ओवर रिटन। तो हम इसको सेव कर लेते हैं फिलहाल अभी, और जो सेव फाइल को उसको लोड करने के लिए आप लोड भी यहाँ पे कर सकते हो, देखिए ऐसे जो लोड सेव है वो लोड हो जाएगा यहाँ पे, पूछेगा कंफर्मेशन, लोड बटन हिट करने से लोड हो जाएगा सेव्ड जो किए हो आप। फिर इसके बाद फीडबैक, फीडबैक में कुछ ऐसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल से वो पढ़ने के लिए वगैरह ये से यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर डेवलपर कॉन्टैक्ट्स है, जो इनको डेवलप किया है उनके बारे में कुछ लिखावट है इसके में, ट्रांसलेशन ट्रांसलेटेड नेम्स, ट्रांसलेटर नेम्स आप चूज कर सकते हैं इसमें, इंग्लिश, तरह तरह के रीजन्स हैं इसमें, इंग्लिश इंडिया भी होगा इसमें, ठीक है। तो आपका कंट्री अनुसार आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ रेटिंग है रेटिंग देने के लिए, ठीक है। गूगल प्ले में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो फिलहाल करते हैं बाद में, अभी दिखाता हूँ आपको खाली में। एंड्रॉइड सिस्टम परमिशंस, यहाँ पे लास्ट में जो है परमिशन एंड पॉलिसीज, ये जो गया फीडबैक का सेक्शन गया, ये परमिशन एंड पॉलिसीज है, यहाँ पे आप क्लिक करो, ये आपको सब एनेबल करना पड़ेगा सिस्टम को सही चलाने के लिए। लोकेशन जैसे हो गया यहाँ पे एनेबल किया है, नोटिफिकेशन आपको चाहिए सारे एनेबल कर दो आप, सिस्टम सेटिंग्स में जाके यहाँ पे भी एनेबल कर सकते हो सिस्टम सेटिंग, देखो अल्लाह मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, ये ऑन है आगामा के लिए, ठीक है। और उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद सिस्टम विंडोज, ये क्या क्या है देख लेते हैं। अलाउ डिस्प्ले ओवर दी एप्स, तो जितने सारे एप्स में टॉप ऑफ दी नॉच ये रन होगा अबव ऑल दी एप्स, ठीक है। तो इतना ही है, और बाकी रहा प्राइवेसी पॉलिसी, वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ डिस्क्लेमर है। ओके, तो ये सारे हैं। आपको कोई अगर डाउट है इसके बारे में, कोई लॉन्चर के बारे में कोई पूछना है, कुछ भी चीज़ आपको डिटेल चाहिए, कुछ भी चीज़ इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो। ये जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पे, ये वाला 2.9.3, इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि आप अगर ये स्टेरियो woodwind.com से लाए हो तब जाके आप कुछ भी अगर अपडेट का सॉफ्टवेयर हुआ है आप उनसे मांगो तो दे सकते हैं, बट उसके लिए आप उनको कुछ पे करना पड़ेगा, मे बी 500 और 600 इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस उनका 1000 है और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के साथ 500 to 600 है या कुछ 1000 के अंदर ही होगा, ठीक है। तो अगर उसको नहीं चाहिए, आपको वुडमैन का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आगामा कालन चाहिए, बट ये वुडमैन के
तरफ से नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गूगल जाके लोड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दिखा हूँ। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मैं शोकेस करूँगा 3.0.4 आगामा कार वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है। ये मैं अपने कार में नहीं दिखा सकता, इसलिए कि मेरे कार का जो इंस्टॉल किया हुआ वर्जन है 2.9.3, वो वेंडर का दिया हुआ है। तो अगर मैं वहाँ पे करूँगा तो ओवरराइड कर देगा, तो फिर से वो लाइसेंस कोड नहीं देंगे। तो मुझे वो दिखाने के लिए आपको लैपटॉप में मुझे लाना पड़ेगा, लैपटॉप में दिखाना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज़ है, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ लैपटॉप में। इसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ब्लू स्टैक्स, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैं जो अकाउंट का लंचर डालने के लिए जा रहा हूँ वो एंड्रॉयड है और मेरा ये सिस्टम है विंडोज लैपटॉप, तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैं क्या किया कि ब्लू स्टैक्स करके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, वो मैंने पहले इंस्टॉल किया, ब्लू स्टैक्स। ठीक है, ये रहा मेरा ब्लू स्टैक्स जो माउस जहाँ पे होवर कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी ब्राउज़र में जाऊँगा और ब्राउज़र जाके मैं सिंपली सर्च करूँगा आगामा कार लॉन्चर यहाँ पे तो पहले ही ऑप्शन में आ जाएगा, ये गूगल प्ले वाला है शायद, ये आपका ट्रायल वाला है। तो मुझे फुल चाहिए कुछ थर्ड पार्टी से, तो मैं दिखाने के लिए आपको चाहिए, तो ये modelo.com है, उसमें मैं जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जाके सिंपली मैं ये इंस्टॉल कर लूँगा। तो आपको मैं वही दिखाऊँगा जो कि पुराने वर्जन और नए वर्जन में जो एडिशनल जो ऑप्शंस अपग्रेड हुए हैं, बस वही, क्योंकि आपको तो बाकी सर लुक एंड फील सेम ही है, ओल्ड की तरह न्यू सेम है। ओके, तो यहाँ पे डाउनलोड अगर ये नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक ऑप्शन है ये भी, यहाँ पे तो वेट कर लेते हैं। अगर ये फिर भी नहीं होगा तो यहाँ पे क्लिक हेयर ऑप्शन है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेगा। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है सो इन फोल्डर और ये जो है आपको डबल क्लिक कर देना है, इसमें ये सीधा जाके इंस्टॉल हो जाएगा ब्लू स्टैक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, ना कि विंडोज के अंदर। ठीक है, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लू स्टैक्स के अंदर जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा राइट साइड में, ये वाला ओपन मीडिया फोल्डर, और आप जहाँ पे डाउनलोड किए हुए हो, जैसे मैंने डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड पड़ा है मेरा, क्योंकि डाउनलोड वहीं पे किया था, यहाँ पे जाके सिंपली डबल क्लिक कर दो आप, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर ब्लू स्टैक्स के अंदर। ये देखो आ गया अभी। ठीक है, तो इसको एक बार क्लिक कीजिए, तो ये रहा 3.0.4। कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग में जाइए, ये देखिए फुल वर्जन 3.0.4 आगामा कार लॉन्चर, यूज फुल वर्जन ऑफ आगामा कार लॉन्चर, योर अनलिमिटेड लाइसेंस इज कन्फर्म्ड बाय द गूगल स्टोर, हैव ए नाइस एक्सपीरियंस, राइट। तो मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ अभी जो कि ओल्ड वर्जन में अपग्रेड नहीं हुए थे और न्यू वर्जन में अपग्रेडेड फीचर्स इनेबल्ड हुए हैं। तो क्या क्या है, पहले तो ये है योर कार के अंदर जो ये है, ये वाला ऑप्शन डाउन वाला जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, ऐड करके मान लो कि आपके सिस्टम में आपका खुद की फ़ोटो है या कुछ कुछ भी वॉलपेपर है या कोई भी पिक है, कोई भी पिक्चर्स है, तो आप यहाँ पे ऐड करके सेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गया, इसको स्टोरेज परमिशन, फर्स्ट टाइम स्टोरेज परमिशन मांगेगा, इसको आप अलाउ कीजिए, अलाउ करने के बाद एक बार फिर से ऐड कीजिए इसको। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ फोल्डर में कुछ डिफ़ॉल्ट पिक्चर मेरा है ही नहीं पिक्चर कुछ यहाँ पे ब्लू स्टैक के अंदर, तो मैं ये डिफ़ॉल्ट कुछ चूज कर लेता हूँ, जैसे मानो कि फर्स्ट वाला, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये लोगो में सेट हो जाएगा ओपन स्क्रीन के अंदर। ये देखिए लोगो वन पे आ गया ना यहाँ पे, ये लोगो, ये देखिए। ठीक है, तो इसको जाके जैसे था मैं ऐसे कर लेता हूँ लोगो वन, मस्टंग अच्छा फील दिख रहा था तो वही मैं दे देता हूँ अभी।
आप चाहे इसके अंदर कोई भी एक लोगो दे सकते हैं, अपनी कार के हिसाब से दे सकते हैं, या कोई भी एक लोगो यहाँ पे जो पसंद है, स्कोडा का है तो स्कोडा, किया कहे तो किया, टोयोटा, वोल्सवैगन, सारे लगभग सारे कार्स के ब्रांड के यहाँ पे लोगोज हैं, वोल्वो, ठीक है, ST, सारे सारे कार्स की यहाँ पे लोगोज है। यहाँ पे मैं ये देने वाला था मोस्टर, ये लोडिंग दिखाएगा और सेट हो जाएगा। उसके बाद डिजाइन पैनल के अंदर एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि पुराने वर्जन में नहीं था, वो है आपका थीम प्रीसेट्स। ये इसमें 7 प्री डिफाइंड प्रीसेट्स आता है थीम्स का, जो कि वहाँ पे नहीं था, 2.9.3 में नहीं था, और ये 3.0.4 में है। तो ये देखिए, ये प्लाक एजी है जो कि डिफ़ॉल्ट है, रेड कार्बन ये है, ग्रीन लाइट, ब्राउन लग्जरी, मटेरियल कंट्रास्ट, एलिगेंट, गुड है, ठीक है। तो फिलहाल ये देते हैं ग्रीन अप्लाई, ओके। बाकी आपको मैंने दिखा था कि ये एप्लीकेशन आप कैसे एसोसिएट करोगे, यहाँ पे है नहीं, मैं आपको फिर से दिखाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे एक एक भी बताता हूँ, खाली इसको प्रेस करके होल्ड कीजिए और कोई भी एप्लीकेशन आप चूज कीजिए, मान लो कि मैंने दिया ये, तो ये आ गया, ठीक है। इस तरह आप चूज कर सकते हो चूज। ओके, ये फिर से क्लियर हो गया। तो इस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन, चाहे आपका कुछ है एप्लीकेशन, आप एसोसिएट कर सकते हो, रेडियो के लिए रेडियो एप्लीकेशन, नेवी के लिए नेवी एप्लीकेशन, सो वॉइस और फोर इंटरनेट ऐप्स के लिए, ठीक है। बाकी जो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, एज इट इज ओल्ड वर्जन की तरह ही है। ये जितने सारे नोटिफिकेशन हैं आप इसको इनेबल कर दीजिए, क्योंकि जरूरी होता है अगम काला से सही से रन होने के लिए। यहाँ पे देखिए, दो नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफ है, तो इसको आप अलाउ कर दीजिए। ये आगामा रिलेटेड सर्विसेज एंड नोटिफिकेशन है, इसको ऑन करना पड़ेगा आपको, अलाउ, ठीक है। तो सिस्टम सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स मॉडिफाई के लिए इसको ऑन कीजिए, और ये सिस्टम विंडोज, जो जो को जरूरत नहीं हो आप इसको डिजेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और कुछ ऐसा है नहीं कि आपको दिखा सकूं कि जो कि मेजर अपग्रेड हुआ हो पुराने से नए को, जैसे 2.9.3 में जैसे था, जो जो फीचर्स था एज इट इज सेम है 3.0.4 में भी, तो आप सोच सकते हो आपको अपग्रेड करना है नहीं करना है। बट आपको अगर खाली थीम पीसेट्स चाहिए और ये जो योर कार है लोगोस, ये वाला अपने खुद की फ़ोटो रखा है अपने, या कुछ पिक्चर्स है आपको, प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स आप देख सकते हो, यूजर डिफाइंड पिक्चर्स, ठीक है। ये दो मेजर अपग्रेड थे और कुछ ज़्यादा तो मुझे दिख नहीं रहा। ये सारे, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।